गिरिडीह की भंडारी डीह की हमीदा खातून जैसी कई महिलाओं की जिंदगी प्रधानमंत्री आवास योजना ने बदल दी है। हमीदा बताती हैं कि वह बरसात के दिनों में रात भर जाकर बिताती थी, टूटे फूटे घर में रहने को मजबूर थी, लेकिन सरकार ने जब घर दिया तो सारी परेशानी जाती रही। पानी पड़ता, रात भर बैठना पड़ता था, अब छत का मकान हो गया, बहुत आराम। चिरैया टाड़ की रहने वाली अन्नपूर्णा देवी की कहानी भी हमीदा की तरह एक समान है। कुछ इसी तरह की बात अन्नपूर्णा देवी भी कहती हैं। वह बताती हैं कि जिंदगी बीत गई भाड़े के मकान में रहकर। अब जब बाल पक गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना से एक अदद घर का सपना पूरा हुआ। इतना दिन से हम लोग रहते थे अथी में, भाड़ा का मकान में, भाड़ा का मकान में हमारा जीवन बीत गया, उम्र बीत गया, केस पाक गया। अब मोदी सरकार देंगे तब आगे बढ़ेंगे हम। इन दोनों की तरह सैकड़ों लोगों को यहाँ अपना घर मिला है। भंडारी डी रहने वाले मोहम्मद साजिद और अफजल जैसे लोग सरकार की तारीफ करते नहीं थकते। जोड़ जोड़ के हम लोग जगह जमीन ले लिए तो सरकार घर बना दे, हम लोग बहुत खुश हैं। और अब आफियत हो गया रहने सहने का, सरकार और थोड़ा पैसा देता तो और बढ़िया से बना लेते हैं। लिए हम लोग जमा बहुत कचिस किए हैं, तब जगह जमीन थोड़ा लिए हैं समझे, और सरकार हमको घर बना के दिया है, उसमें बहुत मैं खुश हूँ। एक अदद घर का सपना और भी लोगों का पूरा हुआ है। सरिता और काजल बताती हैं कि पाई पाई जोड़कर जमीन खरीदे हैं लेकिन घर नहीं बना सके, पर अब प्रधानमंत्री आवास योजना से वो सपना पूरा हुआ। घर नहीं था तो घर बनाए, मोदी जी दिए हम लोग को तो घर बना, और थोड़ा दे देते तो अच्छा से घर बनता। घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, बहुत मुश्किल से जुगाड़ कर रहे थे तो भी नहीं हो रहा था, मोदी सरकार पैसा दिए जाके घर बनाए। गिरिडीह शहर में गरीब परिवारों के लिए करीब 5,000 मकान बन रहे हैं, जिनमें से 1,400 बनकर तैयार हैं। गिरिडीह नगर निगम के आयुक्त गणेश कुमार कहते हैं कि जल्द ही सभी गरीबों के घर का सपना पूरा होगा। नगर निगम क्षेत्र में 4,779 लिया गया है, जिसमें 1,402 पूर्णता की स्थिति में है, फिनिशिंग कार्य चल रहा है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। लोगों को अपना घर मिला है जिससे उनके चेहरे पर निश्चिंतता का एक भाव दिखता है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट।